नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कन्या राशि के जो लोग हैं वो प्रेम में असफल होते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं वो प्रेम में असफल क्यों होते हैं, उसके कारण क्या है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम में असफल क्यों होते हैं। आमतौर पर हम यह देखते हैं कि अगर प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में अगर आपको सफल होना है तो आपके पास पैसों का होना ज़्यादा आवश्यक है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होना आवश्यक है, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी आवश्यक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, जो प्रेम के शुरुआत में ये बातें थोड़े बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर आप प्रेम में हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ऐसी किसी भी बात की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। फिर ऐसी कौन सी बातें जिसकी वजह से ब्रेकअप होना या फिर प्रेम में असफल होना ये बात होती है, तो आपके राशि में ऐसी क्या बात है जिसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहले हमें यह नहीं पता चलता कि हमारे में ऐसे कौन से दोष है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे में दोष क्या है तब तक हम वो सुधारेंगे भी नहीं या फिर उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो पहली बात, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वह जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आपका जो स्वभाव है वह स्वभाव के कारण ही ब्रेकअप वगैरह होना या फिर प्रेम में असफल होना यह बातें होती है। तो कन्या राशि का स्वभाव किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि कन्या राशि के बारे में पहली तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब जो सभी राशियां हैं इन सभी राशियों में यह जो राशि है वो सबसे ज़्यादा चिकित्सक होती है। चिकित्सक माने हर जो बातें होती है उसके बारे में, क्यों, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये जो प्रश्न होते हैं प्रश्न इस राशि को बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर जो बातें होती है उसके बारे में जानकारी रखना इन्हें काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, या फिर इनको लगता है कि हर जो बात है उसके बारे में इन्हें जानकारी चाहिए। इसकी वजह से इनकी जानकारी होती है किसी भी बातों में वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जनरल नॉलेज इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, बोलने की कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो और यह जो बात होती है, यह जो इनका नेचर होता है वो बचपन से होता है, वो जो अगर पुरुष हो या स्त्री, इनका जो नेचर उसी प्रकार का होता है कि इनके पास क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न के उत्तर भी मिलते हैं और उसी वजह से आपका जो ज्ञान है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जनरल नॉलेज इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी भी विषय के ऊपर ये जो राशि है वो बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकती है। इनका बोलना, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, वो जल्दी से इनके जो भावनाएं हैं वो तीव्रतम नहीं होती, तो इसी वजह से इसका जो कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में देखा कि मिथुन राशि का भी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यह जो राशि है वो थोड़ी सी बुद्धिमान राशि है, मतलब मिथुन राशि से ज़्यादा यह राशि बुद्धिमान होती है कि किस व्यक्ति के सामने क्या बोलना है, कब रुकना है, कब चलना है, या फिर अपना जो विषय है वो कहाँ से शुरुआत करनी है, सामने वाले व्यक्ति किस टॉपिक पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसके बारे में इनको अच्छी तरह से पता चलता है। मतलब 2-3 मिनट उनके साथ बोलने के बाद बातचीत करने के बाद ही ये पता लगा लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और या फिर उनको किस विषय पर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसी विषय पर ये बोलना शुरू कर देते हैं। और करीबन जैसे मैंने कहा कि हर विषय के बारे में इनको जानकारी अच्छी तरह से होती है और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, प्रैक्टिकली भी बहुत होते हैं, मतलब पैसे कब, कहाँ, कैसे, कितने खर्चे करने हैं इसके बारे में इनको अच्छी तरह से मालूम होती है। तो इसकी वजह से पैसे के मामले में, और जिसको पैसे खर्च कैसे करने ये पता है तो वो पैसे की बचत भी अच्छी तरीके से कर लेता है, जो इसकी वजह से इनकम कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सभी के बारे में इनको अच्छी तरह से पता होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बौद्धिक स्तर के जो मतलब जो भी व्यवसाय है, जो भी क्षेत्र है, इसमें ये जो राशि है वो बहुत आगे बढ़ती है। जी हाँ, और इसी प्रकार के जो विषय है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाती है, तो ये भी बात इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। तो ये जो सभी बातें वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनमें 2-3 बातें हैं वो थोड़ी सी अलग से होती है और जो बातें इनकी जो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी बहुत अड़चन हो सकती है। पहले तो और एक इनमें बहुत सकारात्मक बात है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, कोई भी अगर इनको बात करनी है तो उसके बारे में पूरी तरह से मालूम कर लेंगे। हम उदाहरण तौर पर अगर देखें कि इनको अगर कहीं बाहर घूमने फिरने जाना है तो यह बात बहुत कॉमन सी हो गया, और आजकल के दिन में बाहर घूमना फिरना या फिर टूर के लिए जाना बहुत मतलब अब इतना कठिन नहीं है, बहुत सहज है, और सभी तरह के जो औजार है, उपकरण हमारे पास तैयार रहते हैं, हमें सभी प्रकार के मालूम होती है। लेकिन अगर कन्या राशि का कोई व्यक्ति बाहर जाना हो तो वो सभी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहेगा, मतलब क्या है, गाड़ी कहाँ कब जानी है, कहाँ से रुकनी है, कहाँ पर आनी है, वहाँ पर का जो मौसम है वो किस प्रकार का है, और अपने सेहत के बारे में बहुत
ज़्यादा ये कॉशियस रहते हैं, मतलब सेहत के बारे में, उनको सेहत के बारे में छोटी मोटी अगर बात हो गई तो उनके लिए वो बहुत बड़ी होती है। जी हाँ, ये बात बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए मेष राशि की तरह, सिंह राशि की तरह, या फिर धनु राशि की तरह, वृश्चिक राशि की तरह, कुंभ राशि की तरह, या फिर मकर राशि की तरह, फिर या फिर वृषभ राशि की तरह, ये जो राशि होती है सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा बिंदास्त नहीं होती। छोटी मोटी बात भी अगर हो जाए तो वो बहुत सीरियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मुझे इस बात से ये बात तो नहीं हो जाएगी ना, ये मुझे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, इससे ये जो बातें हैं वाकई और तो नहीं बढ़ेगी, तो ये सभी बात मतलब डरते हैं थोड़ा सा, इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। तो इसी वजह से छोटी मोटी स्वास्थ्य की तकरार को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो मतलब सीरियस हो जाती है। तो इसी वजह से मतलब कहीं पर भी जाना हो तो पहले सेहत के बारे में देखेंगे, पूरी तरह से जहाँ मालूमत ले लेंगे उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने में भी ये जो राशि है वो थोड़ी कम आती है, जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में देखा। तो रिलेशनशिप की बात होती है, देखिए अभी जो मैंने इनके जो पॉजिटिव गुण गिनवाए उसमें सभी प्रकार के अच्छे गुण के, क्योंकि रिलेशनशिप आपको अच्छे मेंटेन करनी है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका अगर अगर अच्छा हो, अगर आपकी वाणी अच्छी हो तो आपका जो रिलेशनशिप वो काफ़ी बेहतर हो जाता है और दूसरा व्यक्ति भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, और दूसरी बात दूसरों को भी बोलने का ये जो राशि है वो चांस देती है ज़रूर, लेकिन फिर इनके कम में मतलब जो रिलेशनशिप में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये जो राशि है मतलब ये जो कन्या राशि है वो सामने वाले के ऊपर विश्वास ट्रस्ट जल्दी नहीं रखती, और रिलेशनशिप के मामले में अगर ये रिलेशन किसी भी प्रकार की है, फ्रेंडशिप की है या फिर आपके लव अफेयर की है, किसी भी प्रकार की अगर रिलेशनशिप है तो उसमें ट्रस्ट होना, फेथ होना, विश्वास होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आपके आप में आप सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखते तो वो जो रिलेशनशिप है वो कोई भी मायने नहीं रखती। अगर आप विश्वास नहीं रखते तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप मतलब थोड़े से डाउट में जाओ, संदेह करोगे, और वो जो संदेह है वो आखिर तक जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति को अगर ये बात उसको तो कभी ना कभी ये दबाव दिखाई दे भी देखिए, आप उसको उस पर संदेह कर रहे हैं, आप पूरी तरह से फेथ नहीं कर रहे तो वो समझ में आ जाए, तो उसके बाद ये समझ में आ जाएगी कि आप मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये उस वो कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन हो उसमें कोई भी दम नहीं रहता। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आपको कहीं पर तो जाके विश्वास करना ही है, अगर वो व्यक्ति आप पे विश्वास करता है तो आपको करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप हमेशा ये देखते हो कि अगर मैं उसके ऊपर विश्वास रखूँ तो मेरी जो सीक्रेट्स हैं, मेरी जो कमियां हैं वो सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए प्यार में कम ज़्यादा देखा नहीं जाता, क्या प्यार में हमेशा ये देखता है दिखा जाता है कि मैं नहीं रहता प्यार में, आप हो, मतलब आपके खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूँ। तो ये जो भावना होती है वो प्यार में होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये भावना अगर आप सामने से रख दो, अगर आप सामने वाले पर फेथ रख दो, विश्वास रख दो, तो सामने वाला भी आपके ऊपर विश्वास रख देगा, लेकिन शुरुआत तो आपसे होनी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके राशि के लिए, क्योंकि आप जल्दी से विश्वास नहीं करते, ये बात है, और पूरी तरह से आपके सामने वाले की जो बातें पूरी तरह से जान लेते हो कैसा वो जो इंसान है या फिर व्यक्ति है, किस प्रकार के है, कहाँ से है, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार के है, वो करता क्या है, कितना कमाता है, जो भी बातें सभी प्रकार के, उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका पास्ट किस प्रकार का है, लेकिन आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते, तो यही बात होती है। तो सामने वाला हमेशा व्यक्ति यही बोलता है, देखता है कि आपके पास प्रश्न तो बहुत है लेकिन आप खुद के बारे में ज़्यादा नहीं बता पा रहे, तो ये बात होती है। इसकी वजह से आपके ऊपर का भी उसका जो फेथ है, विश्वास, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखो। आप अगर पूरी तरह से विश्वास रखते हो, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखा देते हो, तो फिर आपके जो सामने वाले व्यक्ति है वो भी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देता। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कभी भी सामने वाले व्यक्ति को नहीं टोकना, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना। देखिए अगर प्रश्न पूछते हो, प्रश्न किसे पूछे जाते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ही प्रश्न आते हैं, अगर आपको पूरी तरह से विश्वास हो तो प्रश्न कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि प्रश्न हमेशा, जिसे हम इंटरोगेशन बोलते हैं ना, कि पुलिस हमेशा जो कैदी होता है जैसे या फिर जो सस्पेक्ट होता है उसको हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप सामने वाले को प्रश्न पूछते हैं, इसका वही बात होती है कि आप इंटरोगेट कर रहे हैं, आप पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ किससे किए जाते हैं, जिसके ऊपर आप संदेह करते हो। तो संदेह नहीं करना, पूरी तरह से विश्वास रखना। अगर आप विश्वास रखते हो तो आपको विश्वास ही मिलेगा, अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम में संदेह कहीं नहीं आता। प्रेम में देखिए, प्रेम की पहली जो पायदान होता है वो विश्वास ही होता है, और विश्वास के आगे प्रेम होता है।
तो अगर आप आपका विश्वास ही नहीं है तो आपका प्रेम हो ही नहीं सकता। तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछना, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना कभी भी नहीं, क्योंकि फिर सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह इरिटेट हो जाता है, उसको पसंद नहीं आता आपने जो भी प्रश्न पूछे, आप प्रश्न जो पूछते हैं इसकी वजह से। तो ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिकल नहीं रहना। मतलब आप हमेशा पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर पैसे खर्च करने वाली बात है तो आप बैकफुट पे जाते हो, यही बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप दूसरे के लिए कभी पैसे नहीं खर्च करेंगे। आप बोलने में तो बहुत कुछ बोल जाओगे कि कुछ कोई बात नहीं, पैसे तो हम खर्च करते हैं जो भी बात है, लेकिन असल में वो बात होती नहीं। आप खुद से पूछ लो, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सभी बातें, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जो दो तीन बातें, बाकी तो आपके जो नेचर स्वभाव की बातें हैं काफ़ी अच्छी है। आपका जो नेचर है वो काफ़ी इमोशनल है, आप इमोशनल अटैचमेंट दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी दिखाई देते हो, आपका जो बोलना चलना है, आपकी जो वाणी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बस ये दो तीन बातें उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं उनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है, और कन्या राशि की जो स्त्री होती है उनका थोड़ा व्यक्तित्व अलग प्रकार का होता है। तो ये जो कन्या राशि की स्त्री या फिर कन्या राशि के पुरुष है वो प्रेम में किस प्रकार से असफल होते हैं उसके भी मायने थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर कन्या राशि के बारे में सोचा जाए तो अभी तक हमने जो वर्णन किया उसके ऊपर भी आप चलोगे और उसके ऊपर भी आप अगर आप सोचोगे तो भी आपको प्रेम में सफलता मिल सकती है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अरसे तक आगे बढ़ सकती है। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रेम में जो कन्या राशि के पुरुष है और प्रेम में जो कन्या राशि की स्त्री है उसके बारे में अगर भी आप मतलब सुनना चाहो तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर आप लिखना, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आपको वह भी देखना काफी ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो प्रेम में असफल क्यों होते इसके बारे में चर्चा। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि यह जो कारण है, इसके बावजूद अगर मतलब आपके जो प्रेम में है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपके जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। जिसके मतलब आपके बर्थ डेट के आधार पर, आपकी जो जन्म तारीख है, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, उसके आधार पर या फिर आपके नाम के आधार पर भी कुंडली देखी जा सकती है, और उसके बारे में जो भी पर्याय है या फिर जो भी उपाय है या फिर जो भी विश्लेषण है वो किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के जो व्यक्ति होते प्रेम में असफल क्यों होते हैं उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।